गरीबों के हक पर डाका डालना आजकल इस देश में आम बात हो गई है। गरीबों को मिलने वाला राशन, गेहूं, चावल, चना आदि वैसे भी गरीब लोगों तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, लेकिन कुछ कालाबाजारी करने वाले लोग उनके हक पर भी डाका डालकर अच्छे दामों में बेच देते हैं। मामला जनपद जालौन के सिरसा कलार का है, जहां पर एक पिकअप ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार फिसल कर नीचे गिर गया, लेकिन लोडर में शायद कालाबाजारी का माल होने के डर से ड्राइवर लोडर छोड़कर आनन फानन में मौके से फरार हो गया। मौके पर पकड़े जाने के डर से सरकारी राशन से लदी पिकअप गाड़ी छोड़कर साथ बैठे अज्ञात लोग भी भाग निकले। आनन फानन में घायल हुए बाइक सवारों ने समीप में ड्यूटी कर रहे होमगार्डों को अवगत कराया। मौके की स्थिति को देखते हुए होमगार्डों ने पिकअप गाड़ी को पहुंचाया समीपवर्ती थाने में। थाने में पहुंचते ही जब लोडर की तलाशी ली गई तो पता चला कि उसमें सरकारी कोटे पर मिलने वाला चावल भरा हुआ है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए कि इतना चावल वह भी सरकारी कहां से आया और कहां जा रहा था, यह कब से चल रहा है। मौके पर मिले साक्ष्य, लोडर छोड़कर भागा चालक और राशन सामग्री से भरी हुई लोडर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई जारी कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह चावल सरकारी है या नहीं, यह तो आला अधिकारी आकर ही बताएंगे, और यह बिक्री हेतु जा रहा था या किसी कोटेदार के यहां जा रहा था, यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा।